सीआरपीएफ पैरामेडिकल भर्ती 2020। नमस्कार दोस्तों, सीआरपीएफ में पैरामेडिकल भर्ती 2020 की एडमिट कार्ड का इंतजार करने वाले लाखों अभ्यर्थी जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब तक इसके एडमिट कार्ड आएंगे, क्या 22 अक्टूबर को ही इनके एडमिट कार्ड आने वाले, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं और इन्हीं कमेंट्स के आधार पर इस वीडियो में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। क्या फिजिकल प्रोसेस होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने होंगे ताकि यहाँ पर आपको सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन जो पैरामेडिकल स्टाफ की जो वैकेंसी आई है उसमें भर्ती होने का एक बड़ा मौका आपको मिल जाए। दोस्तों, इसको लेकर सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं, उससे पहले भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए और आगे आने वाली यहां पर सीआरपीएफ पैरामेडिकल भर्ती 2020 से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताए कि पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2020 में आपने कौन सी पोस्ट से फॉर्म अप्लाई किया था। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया, इसमें सारी जानकारी आपको दी हुई मिलेगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे डाउट्स यहां पर क्लियर करने वाले। यहां पर सबसे पहले मैं आपको फिजिकल प्रोसेस के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, अगर आपने भी इन पोस्टों से फॉर्म अप्लाई किया है, जैसा कि आपके कुक है, कुक के साथ ही स्टीवर्ड, इनसे, तो आप यहां पर देख सकते हो। जैसा कि मैं कुक के लिए बता देता हूं आपको, पोस्ट कुक है, इसके लिए यहां पर आप नीचे देख सकते हो 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास के साथ ही नोट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस एज कुक, कम से कम यहां पर 1 वर्ष से ज्यादा का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल यहां पर, जी हां दोस्तों, एक कुक के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर सीआरपीएफ के लिए एक्सपीरियंस होना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, तभी आपको आगे की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाएगा। अब लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर फिजिकल होगा तो फिजिकल में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले आपका फिजिकल ही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपका फिजिकल ही होने वाला है और 22 अक्टूबर से आपके एडमिट कार्ड आने के पूरे पूरे चांसेस है। यहाँ पर हाइट की बात कर लेते हैं, सबसे पहले मेल कैंडिडेट की तो 170 हाइट होनी चाहिए, जबकि फीमेल की हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही चेस्ट की बात करें तो नॉर्मली मेल कैंडिडेट का चेस्ट है वो 80 से लेकर 85 होना चाहिए, जबकि फीमेल के लिए नोट एप्लीकेबल है। वही अगर बात करें तो हाइट में भी यहां पर छूट मिलती है, जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, एसटी कैंडिडेट है, उनको यहां पर हाइट में छूट दी जाएगी। वही दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि यहां पर अलग अलग वैकेंसियों का अलग अलग तरीके से यहां पर फिजिकल होने वाला है। जैसा कि यहां पर हम आपको बता देते हैं, यहां पर आपका जो फिजिकल होगा जिसमें आपको 1 माइल रेस इन 7 मिनट और 30 सेकेंड में करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, 1600 मीटर की रनिंग है, जो आपको यहाँ पर 1 माइल की रेस है वो आपको 7 मिनट और 30 सेकेंड तक करनी होगी मेल कैंडिडेट के लिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग होगी वो 6 मिनट में करनी होगी। वही लॉन्ग जंप आपका 10 फीट होगा, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे, जबकि फीमेल के लिए 6 फीट का लॉन्ग जंप होगा जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। वही हाई जंप की बात करें तो 3 फीट आपका हाई जंप होगा मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 2.5 फीट का यहाँ पर जो हाई जंप है वो यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब ये जो आपका फिजिकल है जिसमें आपके कॉन्स्टेबल, मलाची है, कुक है, सफाई कर्मचारी है, वाशरमैन है, टेबल बॉय और वाटर केयर, इनकी बात करते हैं, इनमें आपका फिजिकल क्या क्या होने वाला है। तो इनके लिए दोस्तों हाइट 170 होनी चाहिए मेल की, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट आपका 80-85 होना चाहिए। हिल एरिया वालों को यहाँ पर हाइट में छूट दी जाएगी, चेस्ट में भी यहाँ पर छूट मिलने वाली है जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले आपका फिजिकल ही होने वाला है, तो इसमें फिजिकल में आपका क्या क्या करवाया जाएगा, तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा फिजिकल का क्राइटेरिया। ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पीटी, कॉन्स्टेबल, मलाची, कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय और वाटर कैरियर के लिए रेस होगी मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की, जिसमें आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, जबकि फीमेल को 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जिसमें 12 मिनट का समय दिया जाने वाला। अच्छा समय मिलेगा, रनिंग सब क्वालिफाई कर लेंगे लगभग। अब बात आते हैं यहाँ पे फिजिकल के बाद में आगे की प्रोसेस के बारे में। दोस्तों आपके पास में अपने डॉक्यूमेंट होना तय जरूरी है, अगर डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा मैनुअली। आपके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट के साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट से मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, उसके साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है
तो आपको इसको फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल की भर्ती है उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फायदा क्या आपको होने वाला है, क्योंकि यहां पर ट्रेडमैन में उसको उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो यहां पर देख सकते हो, मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं इसमें, कि आपका फिजिकल कंप्लीट होने के बाद में जब आपके डॉक्यूमेंटेशन होंगे तो उससे पहले उसके बाद में आपका जो रिटर्न होगा वो 100 नंबर का होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो पेपर होंगे, जो पार्ट फर्स्ट में आपका होगा उसमें 50 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश और हिंदी में से क्वेश्चन आएंगे, और ये कुल मिलाकर 50 नंबर का होगा और 85 क्वेश्चन आने वाले। जबकि पार्ट बी में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का होगा, जो आपका ट्रेड टेस्ट का होगा। और ट्रेड टेस्ट दोस्तों, यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के आपके नंबर होंगे और आपका सिलेक्शन जो होने वाला है वो ट्रेड टेस्ट के आधार पर ही होने वाला है। अगर ट्रेड टेस्ट में आपके अच्छे नंबर है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और ट्रेड टेस्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के भी यहाँ पर नंबर मिलते हैं। सपोजली दोस्तों, आपकी मेरिट अगर 60 नंबर पे जाती है, अगर आपकी मेरिट 60 नंबर के पर जाती है, आपके 40 नंबर यहाँ पर 50 में से जो आपके जो रिटर्न टेस्ट में बन रहे हैं, और 50 नंबर का जो आपको ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पर 25 से 30 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मेरिट में आराम से शामिल कर लिया जाता है, जबकि अगर आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो 10 से 15 नंबर का आपका अंतर रह जाएगा, और 10 से 15 अगर आप कम करोगे तो आपका जो नंबर है वो 55 के लगभग रह जाएगा, जिसके कारण आपका सिलेक्शन होने से आप रह जाएंगे। इसलिए आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सभी वैकेंसीज में काम आता है। ट्रेडमैन की कोई भी वैकेंसी हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है तो आपको ट्रेड टेस्ट में उसका हर्जाना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बता देता हूँ कितने कितने आपको नंबर मिल रहे। प्रैक्टिस टेस्ट और करंट ट्रेड टेस्ट इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ टूल्स, आपके जो औजार काम में आते हैं, जो कुक है, वाटर कैरियर है, स्वीपर है, जो औजार काम में लेते हैं, उन औजारों के नाम आपको पता होना चाहिए, ये 10 नंबर का होगा। जबकि नॉलेज ऑफ टूल्स, जो औजार है उनका आपको नॉलेज होगा, वो 5 नंबर का होगा। जबकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के नंबर 5 नंबर होंगे, जिनमें अलग अलग आपके नंबर होने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, रेस्पेक्टिव आपको ट्रेड को 5 साल का अगर आपके एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर मिलेंगे, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 नंबर मिलेंगे, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 नंबर मिलेंगे, और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर मिलेंगे, जबकि 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 नंबर मिलेगा। तो यहां पर कुल मिलाकर 20 नंबर का आपका ये होने वाला है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकली ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो कुल मिलाकर 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा और 50 नंबर का आपका रिटर्न होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट इन्हीं से बनने वाले। दोस्तों अगर आपको ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है और उससे रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, 7426902098। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, 7426902098। स्क्रीन पे भी जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट है उनको आप क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी एक मेरे द्वारा देखी छोटी सी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर करें। दोस्तों, स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।